ये बोले नाथ। अभी बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पर देखो। ये ऊन का बनता है हमारे यहाँ पे और इसको हमारी लोकल भाषा में दोखा बोलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज सुबह जैसे मैं उठा, बाहर देखा, बाहर बहुत ही तेज़ बारिश लग रही है, ये देखो। और ऐसा नहीं कि बारिश आराम से हो रही होगी, एकदम तेज़ वाली बारिश हो रही है 2 घंटे से। बाहर बारिश लग रही है तो दादाजी यहाँ पर हीटर के सहारे बैठे हुए हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और हमारे चूल्हे पे देखो यहाँ पर दाल चढ़ गई है। पीछे वाले बर्तन पे गर्म पानी रखा हुआ है क्योंकि जरूरी है आजकल ठंड में। ये वाली दाल मेरे लिए हो रही है गर्म क्योंकि मैं सबसे लेट पड़ता हूँ नाश्ता। जिम्मी कहाँ से भीग के आ रहे हैं? नहीं, गीले हो जाएंगे मेरे ग्लव्स। नो, ये वाला फ़ायदा होता है सर्दियों में मिट्टी वाले घरों का। यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, आग भी जला सकते हैं, तो ठंड तो लग ही नहीं रही है। लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि बाहर दिखाता हूँ मैं आपको मौसम, ये देखो क्या भयंकर बारिश लग रही है। फिलहाल नाश्ता करते हैं मस्त आग के सहारे। ये देखो हमारी हरी सब्जी भी आ गई और ये वाली सब्जी ना माँ अभी लेके आई है खेतों से। बारिश के टाइम पे हमारे घर के आसपास बहुत सारे पक्षी आते हैं। कितना सारा पालक डाला था देखो, कितना हो गया गल के। ये बोले नाथ। जय भोलेनाथ। मैंने देखो यहाँ पे देखो पक्षियों के लिए खाना डाला है। ए बिल्ली, ये देखो रिसु, सबको नमस्ते करो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और फिर नमस्ते भी तो करो। जय भोलेनाथ। ठीक है, जय भोलेनाथ। और फिर से मौसम देखो पूरा पैक हो गया है, सामने वाले पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है अनुज। तो फिलहाल ये है मेरी गर्मा गर्म चाय, खाना अभी बन रहा है और यहाँ पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। ये देखो रिसु, बर्फ बर्फ आ गई, आ रहा है। ये बुढ़े बुढ़े लोग देखो कैसे बर्फ में खेलने के लिए उछल कूद। यहाँ पे देखो भाभी और रिसु भी बर्फ में। चाय से भी भाप निकल रही है, मेरे मुंह से भी भाप निकल रही है और सामने तो देखो आप एकदम सफ़ेद सफ़ेद बादल जा रहे हैं और साथ में बर्फ भी गिर रही है। गाइस थोड़ी देर में यहाँ पर पूरा सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद ही छा जाएगी आंखों के लिए। वाइट रंग वो होता है क्या, क्या हानिकारक होता है। उसे उसको ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहिए। और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जमने भी बैठ गई। ये देखो बड़ी बड़ी रुई की तरह आ रही है ऊपर से, अभी हाथ रखता हूँ मैं, हाथ में आ जाएगा क्या पता। आसमान से आसमान से कौन उड़ा? बर्फ बर्फ वो बर्फ मेरे पास तो नहीं आ रही। तू अंदर है ना? गाइस बर्फ लेने के लिए मेरी सांसें जाने वाली है लेकिन आ ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? और देख सकते हो कितनी ज्यादा बर्फ निकल रही। Thank you.
इसको देखो बर्फ में नाच रहा है। देख भाई साहब क्या खतरनाक हो। अनुज कैसा लग रहा है बर्फ में? ठंडी लगी। उई मा, उई मा, उई मा। और इसको देखो यहाँ नीचे ये घूम ही रहा है वहाँ पे। ए गिर गया। यस यस यस। ए ए क्यों घूम रहा है तू? तेरे को ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही। ये देखो इसके सर में बर्फ जम गई यहाँ पे। चल अंदर आग पे। अभी बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पर। देखो मेरे हाथ में चाचू। हाँ बर्फ देखो क्या? मेरे हाथ में देख बर्फ। वाह खा मत खा मत। वाह तू लगाया ऐसे हाथ? हाँ मैंने ऐसे हाथ किया ना उसमें आ गई बर्फ। हाथ ना लगा। हाँ दिखा दो दिखा दो। ये देख। वाह और नीचे देखो अब खेतों में जमने भी लग गई है सामने वाले पेड़ पे भी। चाचू मैं बर्फ खाने आ रखा हूँ। इसको देखो ये अंदर रुक ही नहीं रहा है। अबे चल चल ऊपर से देखो कैसे आ रही है बर्फ। चलो अब बहुत हो गया चल। अरे चल यार पहले मैं उसको छोटा होने दे। छोटा छोटा होने दे उसको छोटा। खाना भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। खाने में है आज पालक चावल और घी। और बाहर देखो मस्त बर्फबारी हो रही है। ए जिमी जिमी इधर आ। खाना पीना अभी हो गया है और बर्फबारी और तेज हो गई। सोचो यहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही है। ये देखो ऊपर गांव में तो भयंकर ही हो रही होगी क्योंकि गांव तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है हाइट पे। तो वहाँ पर तो भयंकर ही हो रही होगी। और डब्बू भी आज परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। यहाँ देखो फरवरी में इतनी बर्फबारी। और सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी, ये जा रहा है बाहर बर्फ में खेलने के लिए। थंडे, थंडे। बाहर क्यों जा रहा है तब? आग पे जाना है कि हीटर लेके आना है? हीटर लेके आना। अब भी लग रही है? वो क्या बोल रहा मेरे को? कौन? ये वो ये बोल रहा है ना। हाँ। बाहर नहीं जा रहा। अच्छा हीटर। मैंने जाना। अब पता लग गया होगा आपको कि ये क्या क्या बातें बोलता है। अभी बोल रहा है ये हीटर बोल रहा है कि मेरे को कि बाहर नहीं जाना है। इसकी बातें सुनने में ना मजा आ जाता है। मजा आ गया। दिन के 2:30 हो रहे हैं और मैं मस्त अंदर बैठा हुआ था मतलब लेटा हुआ था। और जस्ट अभी अनुज आया और बाहर क्या है ठंडा है बाहर। और सामने देखो। अरे नजारे दिखाओ। ये देखो भाई साहब ये वाली गौशाला देखो पूरी बर्फ पड़ गई है इसमें। और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। बर्फ खानो भाई जुकाम लग गया। ये देखो मेरे हाथ में भी आ गई। खतरनाक ही हो गई अब तो। हमारे किचन के ऊपर देखो कितनी सारी बर्फ जम गई है। और माँ देखो वहाँ पे सर में प्लास्टिक डाल रखा है। और सामने वाले पहाड़ देखो पूरे सफ़ेद हो गए हैं। चल रांसी चल है इतने ठंड में। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। ये देखो
अभी मैंने धोखा पहन लिया है, मैंने और अनुज ने, ये ऊन का बनता है हमारे यहाँ पे और इसको हमारी लोकल भाषा में धोखा बोलते हैं और ये काफ़ी गर्म होता है, लगभग 3 स्वेटर के बराबर एक ही ये धोखा काम करता है। और अंदर से हंस रही है हम पे, क्या क्या मेरे से बातें कर रहे हो। अभी इतनी बर्फबारी रिस्सू देखता ना, रिस्सू खुश हो जाता, लेकिन रिस्सू सो गया अभी। गाइस पीछे के रास्ते बर्फ आ रही है तो मैं बर्फ से बचने के लिए इन पेड़ों में देखो पूरी बर्फ जमने लग गई है अब। वाह, अभी हम इस पुराने वाले घर के पास में आ गए हैं और अगर बचपन की बात होती ना तो अभी तक हमने खेतों में जाना था, वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ी है सामने और खेलने के लिए भी अच्छा रहता है खेतों में, फिसलने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। बाकी खेतों में जैसे फरवरी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ उम्मीद ही नहीं थी इस बार, एक दो बार पहले बर्फ़बारी हो गई थी तो मैंने सोचा अब इस साल नहीं होगी और आज तो देखो दिन में ही बर्फ़बारी हो गई। दिल के मांगे हिते आगे मेरे को नहीं आता गाना बर्फ गाना नहीं आता तो नाक क्यों कटवाते हो भाई। चारों तरफ देखो बर्फ पड़ गई बर्फ के बर्फ अनुज बता रहे हैं अभी कि खेतों की तरफ चलते हैं, लेकिन मेरे को ठंड लग रही है, मैं ग्लव्स भी नहीं लाया। चलो यार कुछ नहीं होता नहीं, है भाई देखो हाथ कितने लाल पड़ गए तुम्हारे, पड़े ना मैं तो नहीं तेरे ग्लव्स लगा रखे ना। चलो मैं ग्लव्स लगा के आता हूँ, गिर गई तो यहाँ बचने वाली। इन छोटी छोटी घासों पे देखो क्या खतरनाक बर्फ जमी हुई है और खेतों में तो कुछ ज़्यादा ही है। और सच बताऊँ तो जो मैंने ये बाहर से पहना है ना, ये धोखा बोलते हैं हमारे उसमें, इससे मेरे शरीर पर कुछ भी ठंड नहीं लग रही है। बड़े बड़े जैकेट इसके सामने फील है जो मैंने ये पहना है और ये मेरे दादाजी ने बनाया है, मतलब हमारे इधर पहाड़ों में मतलब कुछ भी काम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, सर्दियों में तो इसका यूज़ ज़्यादा ही होता है। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं इतनी ठंड है तो मैंने ये पहना है तो मेरे को ठंड सिर्फ हाथों पर लग रही है, तो बस यही है, काफी गर्म होता है, ये ऊन का बनता है। धड़ाम गिरी ना भाई, चल अभी चलते हैं, वो पता नहीं कहां तक चला गया। बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है लाइव स्नोफॉल देखने का, तो जिन लोगों ने नहीं देखा कभी भी लाइव स्नोफॉल तो आप लोग मेरी वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा बहुत खुशियाँ बस, बाकी तो मज़े से ज़िंदगी कट जाती है। अब मुझे नहीं लगता इतनी ठंड में हम यहाँ पे रह पाएंगे, तो चलते हैं अब घर। यार अनुज एक बार गिर भी गया था, क्या करें मोटा भाई। भाई अब इतनी ठंड में यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, चलते हैं आग के सहारे। अभी भी स्नोफॉल हो रही है। ओहो ए बाबा, आहो तो ये है गर्मा गर्म चाय, और इतनी गर्म चाय को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ ना तो फिर भी कुछ नहीं पता लग रहा है, क्योंकि ठंड से हाथ ना एकदम सुन्न पड़ गए। माँ बोल रही है कि ये सुन पड़ गई है तो मत जाओ बाहर। अब क्या करें, अब बूढ़े आदमी थोड़े ना है हम, बूढ़े आदमी थोड़े ना जो अंदर ही रहें। जवानी का दम, जवानी का दम था ये बाबा। अभी हम लोग आग सेक रहे हैं और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अगर थोड़ी देर में बर्फबारी बंद होती है तो मुझे रांची भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए, सूजी गुड़ वगैरह, तो बर्फबारी बंद होगी तभी जा पाऊंगा, नहीं तो पूरे रास्ते में तो बर्फ ही होगी। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत उत्तराखंड।
और नीचे रिसु को देखो, इसको मना कर रखा है यहाँ जाने के लिए। ए रिसु, मार।